नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है देश के लिए कि कांग्रेस पार्टी की पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बहुत ही बड़ा अटपटा बयान दिया है, जिसको लेकर न्यूज़ में खबरें चल रही हैं, मीडिया में खबरें हैं। अभी पिछले दिनों जब इमरान खान, पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की ताजपोशी हुई थी, तो कई सारी चीज़ों को नकारते हुए, कई सारे राष्ट्रीय भावना को नकारते हुए कांग्रेस पार्टी का ये मंत्री, जो कि पहले भाजपा में ही था और कांग्रेस ज्वाइन करने के नाम पर इन्होंने जिस तरीके से नाटक किया था तालकटोरा में, जिस तरीके से सोनिया की चरण वंदना की थी, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसको सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कृपा पात्र बनने का मौका मिल गया है। ये व्यक्ति वहाँ जाता है और ऐसा नहीं हो सकता कि ये बगैर राहुल गांधी के परमिशन के वहाँ गया या उनकी बगैर सहमति के वहाँ गया, और वहाँ पे जाके जो पाकिस्तान की आर्मी का जनरल है उसके साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये व्यक्ति गले मिलता है, और गले मिलके उसके साथ जो इसने खाना खाया है, जो वहाँ पे बिरयानी चखी है या जो वहाँ कबाब खाए हैं, उसका असर अभी कम होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। सिद्धू ने बयान दिया है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान है, भारत का जो साउथ इंडिया है, जो दक्षिण भारत है, उससे ज़्यादा बेहतर है। हम अगर पाकिस्तान जाएं तो वहाँ जाना ज़्यादा आसान रहता है बजाय साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के हमारे जो प्रदेश हैं, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो या केरला हो। ये व्यक्ति कह रहा है कि अगर हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमें भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भाषा नहीं सीखनी पड़ती, या हमें अंग्रेज़ी में बात नहीं करनी पड़ती, और ना ही हम वहाँ लोग बदलते हैं। अगर इसको इंटरप्रेट किया जाए तो ये सिद्धू ये कहना चाहते हैं कि अगर हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ लोग बदल जाते हैं, वहाँ भाषा बदल जाती है। फिर इनकी मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए, वो कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो आपको तेलुगु आनी चाहिए, जो मीडिया में छपा है, जबकि दक्षिण भारत में तेलुगु के अलावा कन्नड़ भी बोली जाती है, तमिल भी बोली जाती है, मलयाली भी बोली जाती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ ज़्यादातर लोग हिंदी भी समझते हैं। वो हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, भारत के लोग हैं। उन लोगों को ये व्यक्ति पाकिस्तान जैसे शत्रु देश के लोगों से कमतर आंक रहा है, पाकिस्तान के लोगों को बेहतर बता रहा है, पाकिस्तान के भाषा को बेहतर बता रहा है, ये कितने शर्म की बात है। और ऐसा नहीं है कि जो सिद्धू ने बोला है वो राहुल गांधी को ना पता हो, हमें तो लगता है ये कहीं ना कहीं ये सब कुछ कांग्रेस की तरफ से कराया जा रहा है, क्योंकि पहले मणिशंकर अय्यर, फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद दिग्विजय सिंह कहता था कि हाफिज सईद साहब, मणिशंकर कहता है कि आप आइए और मोदी को रोकने में हमारी मदद कीजिए। राफेल डील पर राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं, उन ट्वीट्स को रीट्वीट किया जाता है पाकिस्तान के मंत्रियों के द्वारा। तो ये समझने वाली बात है कि ये कांग्रेस की जब सरकार थी, इसको लेकर एक बड़ा ही हास्यास्पद बयान हुआ था जो शर्मनाक भी था, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उन्होंने उसकी आलोचना की थी, जब नवाज शरीफ ने बरखा दत्त के सामने कहा था कि मनमोहन सिंह तो देहाती औरतों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, हमारी शिकायत उससे अमेरिका से करते हैं। तो ये जो इस तरीके की सोच पाकिस्तानियों की भारत के प्रधानमंत्री के प्रति थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री के प्रति थी, उसमें तो बड़ा अंतर नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग ये जो सोच बार बार अपनी दिखाते हैं, कांग्रेस की जो सोच सामने आती है कि इन लोगों को पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर लगता है हिंदुस्तान की सरकारों से, हिंदुस्तान के प्रदेशों से, और ख़ासकर अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है उसके ऊपर ये पाकिस्तान के हितों को तरजीह दे रहे हैं। अभी बातें आ रही हैं कि जिस तरीके से राफेल डील को लेकर ये बार बार खुलासे की बात करते हैं, जबकि वो गोपनीयता के दायरे में जो चीज़ें आती हैं उनकी भी खुलने की ये बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीन और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ है। अब मैं पूछना चाहता हूँ और जनता को पूछना चाहिए कि क्या राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू को इतनी बड़ी बात कहने के ऊपर पार्टी से निकालेंगे, उसका इस्तीफा लेंगे, जो वो नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे बयान आए हैं, कल परसों भी बयान था एक, उसके बावजूद जैसे अभी मामला था
ये जो ठाकुर वाला अल्पेश ठाकुर का, उसने जो कुछ किया उसके बाद राहुल गांधी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी सिद्धू ने जो बोला है ये जिस तरीके से अपमानजनक है, और इसको तेलंगाना में अभी चुनाव होने वाला है, तेलंगाना की जनता को भी सोचना पड़ेगा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसके जो नेता हैं, इसके जो मंत्री हैं, वो तेलंगाना के लोगों को, आंध्र प्रदेश के लोगों को, कर्नाटक के लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को, केरल के लोगों को पाकिस्तान के लोगों से कमतर बता रहे हैं। पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्र जो इस देश में आतंकवाद फैलाता है, जो इसकी बर्बादी करने के लिए तुला हुआ है, जो हमारे देश में जितनी समस्याएं हैं सुरक्षा को लेकर, वो सारी समस्याएं पाकिस्तान से पैदा होती हैं। हमारे कश्मीर में जो समस्या है, हमारे जो जवान मारे जाते हैं, उन लोगों को ये व्यक्ति उनसे बेहतर बता रहा है, तो ये कितने शर्म की बात है। और इसको, इस बात को ऑन रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, पूरे दक्षिण भारत में कांग्रेस का बहिष्कार होना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जब देश की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, हिंदुस्तान की संस्कृति कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक ही है। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो द्वारका से लेकर कामरूप तक, अरुणाचल प्रदेश तक एक है। उसके बाद भी अगर कांग्रेस के लोग इस तरीके से भारत को बांटने की कोशिश करेंगे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, ये कांग्रेस की पुरानी नीति रही है, देश को बांटने की नीति है इनकी। कभी ये भाषा के नाम पर बांटते हैं, लोगों को याद होगा कि जब इस देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाए जाने की बात चल रही थी, तो ये नेहरू थे जिन्होंने एक अपने मंत्री से उसका विरोध करा दिया था, और उसी मुद्दे पर भारत की जो राष्ट्रभाषा बननी थी हिंदी, वो संसद में रुक गई थी। ये वही लोग हैं जो आज भाषा के आधार पर हमारे दक्षिण भारतीय राज्यों को देश से अलग बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है, इन लोगों से सवाल पूछने की ज़रूरत है, और कांग्रेस को इस पर जवाब देना ही पड़ेगा कि क्या वो नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब के मंत्री हैं उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। क्या वास्तव में दक्षिण भारत की भाषाओं से, दक्षिण भारत के लोगों से पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश बेहतर हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। ये हमारे भाई हैं, हमारा अपना खून है, हमारी संस्कृति है। आप देखिए, भारत की भाषाएं अलग हो सकती है, पूरे देश में सब कुछ एक है। उनका पहनावा देखिए, उनका खान पान देखिए, कौन कहता है वो अलग है? केवल वो धूप और कम धूप और ज़्यादा धूप की वजह से रंग में अंतर है, लेकिन अगर इस तरीके से कोशिशें की जाएंगी तो ये देश की एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है, जिसका हमें विरोध करना चाहिए। और हम विरोध करते हैं कि ऐसे मस्खरे लोगों को जो आगे चलकर पहले जोकर की तरह काम करते हैं टीवी चैनलों पर, और बाद में ये एमपी और मंत्री बन जाते हैं, इन लोगों की जुबान पर लगाम लगाई जाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसे लोग अपनी जुबान खोलेंगे तो देश में कहीं ना कहीं जो विश्वास का माहौल है उसको टूटने की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, जो हम नहीं होने देंगे और नहीं होना भी चाहिए। इतनी बात के साथ मैं आप सबसे यही कहूँगा कि सिद्धू ने जो बोला है उसका विरोध होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना विरोध करिए। नमस्कार।